और अभी तो कभी कभी मैं दुख से बोलता हूँ, अधिकारियों को बोलता हूँ कि तुम्हारा बच्चा या तुम्हारे परिवार का आदमी जब तक नहीं मरता तब तक क्या तुम सीरियस नहीं होगे क्या? कितने लोगों का बलि चाहिए आप, क्यों नहीं किया आपने? आपको पता नहीं राजीव जी, आप सब देखो समझो उसको। मैं दो दिन आता हूँ यहाँ, इसलिए वैसा ही नहीं दिल्ली में, यहाँ आने के बाद दो दिन में इन्फेक्शन हो जाता कि देखो मेरा पैर चार जगह टूटा है। मैंने 2 साल हॉस्पिटल में भुगते और ये इसलिए कि एक कलेक्टर ने वो जो रास्ते में जो पेड़ थे वो काटने की परमिशन नहीं दी और मेरे ड्राइवर को, मैं ऑपोजिशन लीडर था और कैटवैक था उसमें भी एक मेहमान है वीडियो पे आया, एक ने बॉटल अपनी निकाली ग्लास भर दिया और वो गाड़ी रखकर 180 मीटर पे चलाया उसने और वो यूट्यूब पर डाला। अब वो लोग 180 जाएंगे तो और प्रॉब्लम है, जो अमरीका का टायर है जो यूरोपियन टायर है वैसा ही टायर चाहिए, टायर बर्स नहीं होना चाहिए। बताते हुए शहर हमारे 40% लोग कैटवैक वाले निकले, एक मुख्यमंत्री है नाम नहीं बताता, उसका ड्राइवर पूरा अंधा था, वो आवाज के आधार पर गाड़ी चला था। मैंने ये किया एयरपोर्ट से ड्रोन में हार्ट और लंग्स ड्रोन में डालकर हवा में उड़ते उड़ते हॉस्पिटल में। आप देखिए ऐसा तुलना नहीं करनी चाहिए, पर यूएसए में यूरोपियन कंट्री रेड सिग्नल लग गया तो तुरंत रुक जाते हैं, सीनियर सिटीजन रास्ता क्रॉस करते तुरंत हाथ दिखाते तो गाड़ी वहां रुक जाती है। इतनी गलतियां हैं, मुझे कोई संकोच नहीं है कि मेरे डिपार्टमेंट में अगर आपको लगता है गलती है तो आप जोर से चिल्लाइए और बिल्कुल इस बात को आवाज। कोई हेलमेट डालने के लिए तैयार नहीं, कोई रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुसा देता है। अभी लेन डिसिप्लिन की बात आई, अभी हमारे भी कमी है। मैंने हमारे सेक्रेटरी को वर्ल्ड में कैसे कैसे स्टैंडर्ड लगते हैं उसका, फिर मुझे कहते समय भी कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए ऐसा लगता है। हिंदुस्तान ऐसा देश है, आपको अभिमान करना है कि क्या करना है आप सोचो। वर्ल्ड में सबसे आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस जिस देश में मिलता है उसका नाम हिंदुस्तान है। क्योंकि देखो मेरा पैर चार जगह टूटा है, मैंने 2 साल हॉस्पिटल में भुगते और ये इसलिए कि एक कलेक्टर ने वो जो रास्ते में जो पेड़ थे वो काटने की परमिशन नहीं दी और मेरे ड्राइवर को, मैं ऑपोजिशन लीडर था और कैटरेक्ट था, मुझे बताती है शर्म आ रही कि मैंने फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पीटीएम मिनिस्टर, मैंने पूरे ड्राइवर्स के आंखों की जांच कराई। बताती है शर्म आ रही 40% लोग कैटवैक वाले निकले, एक मुख्यमंत्री है नाम नहीं बताता, उसका ड्राइवर पूरा अंधा था, वो आवाज के आधार पर गाड़ी चला था। केंद्र में एक बहुत बड़ी मंत्री थी, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा था, सरकारी था। क्योंकि क्या है कि ड्राइवर की अगर आंखें बिगड़ती है तो उसको नौकरी से निकलते थे, वो जहाँ आपको मालूम है सरकार में सर्टिफिकेट कैसे लाना। पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि आपके ड्राइवर के आंखों की जांच प्राइवेट डॉक्टर से कराइए, जितने एमपी बैठे हैं। और मेरा ऐसा न हो पर मेरा अनुमान है कि 50% लोगों के ड्राइवर में कैटरेक्ट निकलने वाला है। पहली बात उसकी जांच करिए। दूसरी बात, अभी हमने ये किया है कि जहां ड्राइवर की जांच करते टोल लाके पर उनको चश्मे दे रखे हो आप चार्ज। आज मैंने सिंगारिया भी मेरे पास आए सब टायर मैन्युफैक्चरर आए, मैंने पहले उनको कहा कि ये फाइन एक्सटेंशन क्या है, मैं साइन नहीं करूंगा और मुझे कोई मैरेज नहीं कर सकता। वो मुझे पहले बताओ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, तुम्हारे टायर कैसे। फिर उन्होंने, मैंने 15-20 मिनट पूरा समझ लिया। मैंने बोला जो अमेरिका का टायर है जो यूरोपियन टायर है वैसा ही टायर चाहिए, टायर बस नहीं होना चाहिए। मैंने मुंबई पूरा एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वो कंक्रीट का बना। अब कंक्रीट का बनाने के बाद स्पीड बढ़ गई। अब मैंने खुद ट्रायल लिया था 180 किलोमीटर पर मुंबई दिल्ली हाईवे पर, गाड़ी चला कुछ नहीं हुआ। अब उसमें भी एक मेहमान है वीडियो पे आया, एक ने बॉटल अपनी निकाली ग्लास भर दिया और वो गाड़ी रखकर 180 मीटर पे चलाया उसने और वो यूट्यूब पर डाला। अब वो लोग 180 जाएंगे तो और प्रॉब्लम। टेस्टिंग के लिए ठीक है, अभी हम लोग स्पीड की भी लिमिट बदल रहे हैं, वो एकदम कॉन्जर्वेटिव है। एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे, 6 लेन 8 लेन, अभी 28 तारीख को मीटिंग है, सभी मंत्रियों को मैंने बुलाया कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। पर एक बात जरूरी है कि इसमें बड़े प्रमाण पर लोगों का सहयोग चाहिए। दूसरी एक बात, इस देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। मैंने एक स्कीम बनाई है, आप हर जिले में हर तहसील में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल निकाल। अभी तक 60 हो गए, मैं परमिशन देने के लिए तैयार हूँ, सब एमपी आगे आए। और मुझे लगता है कि ड्राइवर को कैसे सिखाना है, उसको ड्राइविंग का जैसे सिखाने के साथ उसको मैनर्स एटिकेट्स
और उसके साथ ह्यूमन बिहेवियर, रूल्स ऑफ द रोड, उसकी सेफ्टी, उसकी जिम्मेदारी। तो अब ये डिजिटल कोर्स तैयार किया है और मैं अभी से सभी मंत्रियों को कहूंगा, कभी कभी मुझे एक कैसे समय भी कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए ऐसा लगता है, हिंदुस्तान ऐसा देश है, आपको अभिमान करना है कि क्या करना है आप सोचो। वर्ल्ड में सबसे आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस जिस देश में मिलता है उसका नाम हिंदुस्तान है। मैं ये सवाल नहीं पूछता हूँ आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो RTO ऑफिस में जाके परीक्षा देकर जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, ऐसा अगर मैंने आपको सवाल पूछा तो मुझे लगता है आपके अनेक लोग इंप्रेसिंग क्वेश्चन में आए, सब लाइट ही ले रहे। ये अमेरिका में मैं जब गया था तो मेरी लड़की इतने बड़े किताब से महीना भर स्टडी कर रही थी, मैंने क्या करेंगे, बोले मेरी एग्जाम है, बताया कि एग्जाम है ड्राइविंग लाइसेंस की, तो मैं डिजिटल एग्जाम करने वाला हूँ और डिजिटल एग्जामिनेशन में मिनिमम क्वालिफाई होने के बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अभी काफी लोग कंपनियों ने टाटा, लेलैंड, मारुति और महिंद्रा सब ने अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल निकाले, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलिए, रोजगार भी है उसमें, जिसमें जो ट्राइबल एरिया है उसमें खोलिए, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। हाथ में पता नहीं राजीव जी, आप सब देखो समझो इसको, मैं 2 दिन आता हूँ यहाँ, इसलिए रहता नहीं दिल्ली में, यहाँ आने के बाद 2 दिन में इन्फेक्शन हो जाता है। आप थोड़ा माइनोरिटी देखो, इतना एयर क्वालिटी में पोल्यूशन है कि हम लोग हमारे डॉक्टर के बिल उसके कारण थे, इसलिए दिल्ली का एयर प्रदूषण और रोड एक्सीडेंट्स में रोड सेफ्टी, ये दो विषय आप जरूर उठाइए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने आज ये इनिशिएटिव लिया है और आपकी तरफ देखते हमारे सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कमेटी भी बनाएंगे, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी खोलेंगे। आपको ताजुब करो ये देश में क्या हो रहा है, पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास है, एक जगह पर एक कर थी, 150 लोग मरे थे, 150 और वो कर सुधारी नहीं गई थी। जब ये कमेटी आई तो मैंने वो आइडेंटिफाई किया, उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। और अभी तो कभी कभी मैं दुख से बोलता हूँ, अधिकारियों को बोलता हूँ कि तुम्हारा बच्चा या तुम्हारे परिवार का आदमी जब तक नहीं मरता तब तक क्या तुम सीरियस नहीं होगे क्या, कितने लोगों का भरी चाहिए आप, क्यों नहीं किया आपने। और मैं तो आपको कहता हूँ जो ब्लैक स्पॉट है जहाँ 1 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे 50-50 लोग मरने वाले स्पॉट है, स्टेट हाईवे पे है, डिस्ट्रिक्ट रोड पर है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और आजकल 2-व्हीलर वाले गाड़ियां ट्रक के नीचे जा रही। मुझे लगता है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो एक तो आपने इसमें काम किया, मैं हृदय से आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, मुझे बहुत खुशी हुई। अमिताभ बच्चन जी ने मुझे कहा नितिन जी आप बोलो उतने कार्यक्रम करूंगा, मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए, मैं इस कॉज के लिए अपने जीवन में कुछ काम करना चाहता हूँ। अक्षय कुमार जी ने मुझे कहा मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, बहुत क्रिकेटियर मिले सब मिले और आप जैसे लोगों ने भी इसको प्रायोरिटी दी, तो मैं पहला काम आप भी कराइए आपके क्लब से कि जितने MP बने वो मैंने GR निकाला है, उनको अधिकार दिए हैं, ब्लैक विजिट करने का अधिकार दिए हैं, कलेक्टर उसका बोर्ड सचिव है, और आप आपके जिले में जो भी उसको एक्सपोज करो, अखबार में नाम छापो ये इनका रोड है या इतने लोग मरे, आवाज उठाओ, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। और इसलिए ये जो कमिटी आई है सब MP को आप कहिए कि आपके अध्यक्षता में आपके जिले में आप ये जिम्मेदारी लो कि अभी तक मेरे जिले में इतने एक्सीडेंट हुए, मैं इतने साल में इतने कम करूंगा, ब्लैक स्पॉट इंप्रूव करूंगा। हाइड्रोजन के कार में आया हूं और मैं अभी इलेक्ट्रिक कार को अभी तो पहले यही होटल में मैं बहुत बार इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस और स्कूटर की बात करता था, मुझे पूछते थे गाड़ी बंद पड़ी चार्जिंग खत्म हो तो कैसे होगा, फिर ये चार्जिंग कार से होगा, अब कोई नहीं पूछता, अब टाटा की गाड़ी के लिए 1 साल की वेटिंग मेरे पास आते आउट ऑफ टर्न गाड़ी दिलाओ, अब सब जगह स्कूटर 400 मैन्युफैक्चरर बने स्टार्टअप, ई स्कूटर 50% स्कूटर हुआ, 2-व्हीलर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रक आया, अब हाइड्रोजन आ रहा है, और मेरा तो बस चल रहा है, मैं पूरी ताकत के साथ बढ़ाऊंगी इस देश से, मैं फॉसिल फ्यूल को हम निकाल देंगे। और इस देश का किसान, मुझे याद है ये सब बैठे हैं, मैं जब BJP का अध्यक्ष था मैं बोलता था बायो फ्यूल बायो फ्यूल, तो लोग पूछते थे मुझे, अडवाणी जी बोले कि ये क्यों बोलते हो, कितने बार बोलते हो, मैंने बोला इससे देश की इकोनॉमी बदलेगी, 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट है और आज पानी से बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, हमारे यहाँ ये इम्पोर्ट अगर कम होकर अभी हमारे इथेनॉल बनता है
ब्रोकन राइस से, मक्के से, शहनाज हुसैन जी ने अब बिहार में भी शुरू कराया। अब अनेक जगह पर पूरा देश अभी फ्लैक्स इंजन ला रहा हूँ, टोयोटो की गाड़ियां 100% पेट्रोल का वहां 25 रुपए लीटर होगा, यानी आप जो एवरेज मिलता है उसकी तुलना करेंगे तो 100% इथेनॉल पर 40% बिजली पर टोयोटो की सब गाड़ियां चलेगी। अब मेरे पास सब बातों के उत्तर है, मैं हाइड्रोजन से लेकर इथेनॉल से लेकर एनर्जी सीएनजी तक सब बनाता हूँ, मैंने सब प्रयोग किया। तो मुझे कोई बोलता है मुझसे राजा नागपुर और मैं तेरे को सब दिखा देता हूँ, पूर्ववत टेक्नोलॉजी। आप देखिए ऐसा तुलना नहीं करनी चाहिए, पर यूएसए में यूरोपियन कंट्री रेड सिग्नल लग गया तो तुरंत रुक जाते हैं, सीनियर सिटीजन रास्ता क्रॉस करते तुरंत हाथ दिखाते तो गाड़ी वहां रुक जाते हैं। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बदलने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसके बिना नहीं होगा। हमारे यहाँ भी एक इंडियन ऑयल सरकार के बड़े रिटायर्ड अधिकारी हमारे नागपुर में, उन्होंने एक जन आक्रोश निकाला और वो स्कूल में जाते हैं और 10वीं 12वीं के 2000 लड़के को सिखाते हैं, समझाते हैं। अब जो बन चुके थे जिनकी उम्र 45-50 साल के ऊपर हुई, अब मैं बोलता नहीं हूँ पर उनको समझाना बहुत कठिन है, वो तो बहुत ऐसे ही चलते आए, उनको भी समझाना पड़ेगा। अभी चेन्नई में एक एमजीएम हॉस्पिटल है तो मैंने उनका इनॉग्रेशन किया, उसमें मैंने ये किया एयरपोर्ट से ड्रोन में हार्ट और लंग्स ड्रोन में डालकर हवा में उड़ते उड़ते हॉस्पिटल में आए और उसमें प्रोटोकॉल ले कि वो जल्दी आनी चाहिए, इसलिए अनेक लोगों को हम लंग्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैं जब इस हॉस्पिटल में गया था तो कोई हार्ट गले में लेके घूम रहा था, लंग्स ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, आंखें ट्रांसप्लांट होती है। और आप जैसे संवेदनशील लोगों को मैं कहूंगा कि एक तो एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए और एक्सीडेंट अगर होते हैं तो कम से कम जो सीरियस हो गए, अब जो जिनके जान कठिन है बचाना, तो उनके ऑर्गन का डोनेशन करने से हम अनेक लोगों को जीवन दे सकते। और हर जगह हेलीपोर्ट बना रहे और कल्पना यह कि हेलीपोर्ट की जो एम्बुलेंस होगी उससे लेकर हम तुरंत उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अभी मैंने कोशिश करके हमारे यहाँ एक एम्बुलेंस बनाई है ये फोर्स कंपनी ने, उसमें जर्मन के टूल है, वे हिमाचल में उत्तराखंड में बस बस लेके जाती हैं और लोग जब सीधे उनको निकलने के लिए 5-5, 6-6, 8-8 घंटे लग तुरंत उसको काट कर उससे निकलना। इसमें भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की काफी जरूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आखिर में मैं आपको कहूंगा वो है ह्यूमन बिहेवियर। मैं 8 साल के बाद इस मत पर आया हूं कि जब तक लोगों का दिमाग और माइंड सेटअप नहीं बदलेगा तब तक नहीं हो पाएगा। कोई हेलमेट डालने के लिए तैयार, कोई रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुसा देता है। अभी लेन डिसिप्लिन की बात आई, अभी हमारे भी कमी है। मैंने हमारे सेक्रेटरी को वर्ल्ड में कैसे कैसे साइनेज लगते उसका अध्ययन करो, और हमारे यहाँ भी बहुत कमियां थी, साइनेज ठीक से नहीं है। अभी हम वो ऑर्डर निकाल रहे हैं कि अभी दिल्ली मुंबई हाईवे पर सबसे लास्ट लेन है, उसी में हेवी जो ट्रक है बस है उसी पर जाएगी। लेन डिसिप्लिन का पालन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी काफी एक्सीडेंट कम होंगे। पर दुर्भाग्यवश ये जो लोगों का ह्यूमन बिहेवियर है वो स्कूल से बदलना बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार सिंह, बहुत सी सेलिब्रिटी फ्री ऑफ चार्ज इसके लिए काम कर रही है। मैंने कहा था कि 24 के पहले हम 50% एक्सीडेंट और डेथ कम करेंगे, पर इसमें हमको जो सफलता है वो नहीं मिल पाई। रोड एक्सीडेंट में जो 4 कारण है उसमें एक रोड इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्ता होना चाहिए, यहाँ अंडर पास काट दो, यहाँ ब्रिज नहीं होना। इसमें बहुत पहले, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से इतनी गलतियाँ हैं, मुझे कोई संकोच नहीं है कि मेरे डिपार्टमेंट में अगर आपको लगता है गलती है तो आप जोर से चिल्लाइए और बिल्कुल इस बात को आवाज उठाइए, क्योंकि 40% नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हो। अब यह दिल्ली मुंबई हाईवे, इसमें रोड है 6 लेन का और ब्रिज है 2-2 लेन के, अब स्पीड से गाड़ी आती है, तो ये सब गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए हर साल 29,000-35,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। और पुराने समय से बहुत सी गलतियां जो थी वो रोड इंजीनियरिंग में थी, फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में
अभी इसका जिक्र हुआ था कि इकोनॉमिक मॉडल में मैंने कहा कि 6 एयरबैग्स मैंडेटरी होगी। कंपनियों ने बहुत विरोध किया और हमने सबसे चर्चाएं की। मैंने कहा गरीब आदमी मरता है तो मरने दो, इकोनॉमिक मॉडल की कीमत बढ़ जाएगी इसलिए मत लगाइए। मैंने जब एयरबैग्स के मैन्युफैक्चरर को बुलाया, एक एयरबैग मैक्सिमम 850 रुपए की, अगर 6 लगते तो क्या फर्क पड़ने वाला, लोगों की जान नहीं बचनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एयरबैग्स अगर 6 लगेंगे तो निश्चित रूप से इसमें डेथ नहीं होगा।